महागठबंधन के लोग सिवान सदर विधायक और तिवारी चौधरी को गांधी बोलते हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? अब इसमें मैं क्या कहूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं पहले वो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ें, उनके संघर्षों को पढ़ें, उनके संघर्षों को समझें कि उन्होंने किस परिस्थिति में अपने आप को स्थापित किया था। आज ऐरा गैरा नथु खैरा कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, तो आए थे ना गांधी टोपी पहन के अन्ना हजारे लोकपाल के लिए, जन लोकपाल के लिए। क्या हुआ, कहाँ गया जन लोकपाल? वैसे ही नागपुरिया बहुत सारे गांधी घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। अगर वैसे लोगों को लोग अगर गांधी कहेंगे तो कहते रहे, उनकी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार, पूरे भारत में, भारत के संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, बोलें। लेकिन मेरी नजर में अगर गांधी गांधी जी के इर्द गिर्द भी कोई दिखता है तो सिवान में कौमी एकता के प्रतीक जिन्होंने सिवान की मिट्टी को अपना आशियाना बनाया, मौलाना मजलक साहब, जिन्होंने बिहार विद्यापीठ के लिए अपना जमीन डोनेट किया, गांधी जी से उसकी स्थापना करवाई, तो वो उनके करीब माने जा सकते हैं। खुदा बख्श खान साहब उनके करीब उखई वाले माने जा सकते हैं। और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जिनको गांधी जी को देखने का अवसर मिला है, उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है और ऐसा सुना जा सकता है। लेकिन अब राह चलते कोई किसी को गांधी कहे, कोई किसी को सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहे, तो ये तो लोगों की अपनी मानसिकता है। कांग्रेस नेता साहबवादी आजकल पुष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि वो 4 टाइम सांसद रहे हैं सिवान जिला के, तो वो हमारे भी सांसद रहे हैं, हम भी उनके वोटर रहे हैं, और भी बहुत सारे कांग्रेसी हैं वो भी उनके वोटर रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग आज हैं उसमें से बहुत सारे लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ रहे हैं। तो यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि लोगों के मन में अगर है किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तो वो लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं। प्रोटोकॉल पे क्या कहिएगा? भोज खाने में प्रोटोकॉल नहीं लग रहा ना, है। उसका तो किताब मुझे विधानसभा से मंगाना पड़ेगा कि विधानसभा अध्यक्ष जी की या किसी भी पॉलिटिकल जो विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, केंद्र के हों, राज्य के हों, उन लोगों का क्या क्या प्रोटोकॉल है, ये तो किताब मंगानी पड़ेगी। वैसे मैं ये कह, सांसद हैं या मंत्री हैं, केंद्र के हों, राज्य के हों, उन लोगों का क्या क्या प्रोटोकॉल है, ये तो किताब मंगानी पड़ेगी। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभासनपुरा में पैदा हुआ, तो यहाँ के लोगों के लिए, और बात प्रोटोकॉल की हो, ये कहीं से हजम होने वाली बात नहीं है। इसलिए जो नेता देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए और वो अगर सिवान से बिलोंग करता है तो सिवान के लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये मैं जानता हूं। जो नेता कंधा से कंधा मिला के चलता था वो आज प्रोटोकॉल देख रहा है। नहीं होगी कुछ मनमुटाव, ऐसे प्रोटोकॉल में तो कहीं से कुछ आता नहीं है। किसी की शादी में आप जाते हैं, किसी की मरनी में जाते हैं, किसी की शोक सभा में जाते हैं, तो आप तो यही राजनीति करना है ना, वोट तो यहीं के लोगों से चाहिए ना। उस वक्त अगर यहाँ की जनता जो है, मतदाता जो है, वो अपने प्रोटोकॉल पे आ गए तो फिर तो भगाई खुल जाएगी नेताओं की, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोटोकॉल लोकसभा के लिए है। नहीं, अपना अपना अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच, अपने नेटिव प्लेस पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है।